उससे उपेक्षित होकर मैंने ये निर्णय लिया है। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे कोई लोकसभा का चुनाव लड़ाए। कौन से बड़े कद के नेता, कौन से बड़े बड़े पद पर बैठ जाने से बड़ा कद नहीं होता है। और आजकल टेंडेंसी जनता की ये हो गई कि पावर में बैठा वो माई बाप है, और इसलिए जिनके पास लड़ने की क्षमता है वो पदों पर बैठे हुए लोगों को उन कदों का पैमाना नहीं मानते। कदों का पैमाना तो जनता तय करती है। बिरला जी के खिलाफ इतना बड़ा असंतोष है, इस बार हाड़ौती की जनता जो बीजेपी मेंटेलिटी की भी है, उनको लगातार 10 सालों से मीठी गोली बांटने का दंड देने वाली है। ये तो कांग्रेस को तय करना है किसको चुनाव लड़ाना है। जिसको ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी मैं ताकत से उसका साथ दूंगा। इस बारे में वसुंधरा जी से क्या बात करनी, प्रहलाद गुंजल अपने निर्णय खुद करता है भाई, छुई मुई थोड़ी हूँ। पिछले 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी में इतना अपमानित हुआ हूँ जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। एक बार महामंत्री बनाया 4 दिन मटा है, एक बार दोबारा महामंत्री बनाया 4 महीने मटा है, एक बार जिला अध्यक्ष बनाया 1 महीने मटा है, एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया 4 दिन में हटाया। मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मेरे फेफड़ों में संक्रमण हो गया। मेरी एनर्जी का 10% इस्तेमाल भी यहाँ जो सिद्धांतों की रीति नीति के नाम पर प्रोपेगंडा करके व्यवस्था को कब्जा करने वाले लोगों ने मेरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं होने दिया। अब खुले मैदान में काम करेंगे साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं एमएलए था तब पंचायत समिति मेंबर थे। अब ठीक है, समय की बात है, किसी को पार्टी अवसर देती, हमको अवसर नहीं दिया। दम घुट रहा था, फेफड़ों में संक्रमण हो रहा था, क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। अब जरा फेफड़ों में एक्सरसाइज हो जाएगी भाई, जो भी होगा देखेंगे। अब क्या है तो हमने कह दिया बहुत लेट हो गए हो।